सेंधवा में अवैध कॉलोनी काटने पर कांग्रेस के एक बड़े नेता पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई। इनके द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 3 अवैध कॉलोनी काटकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया था। वहीं इन कॉलोनियों में रहवासियों को आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। कॉलोनियों में कहीं रोड नहीं है तो कहीं नालियां नहीं है। इसी प्रकार सेंधवा शहर में लगभग 30 कॉलोनियां अवैध बताई जा रही है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब इन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कब होगी। अवैध कॉलोनी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सुशासन अभियान के तहत प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सेंधवा में कॉलोनी नाइजर पर एसडीएम तपस्या परिहार के प्रतिवेदन पर शहर थाने पर मामला दर्ज किया गया। एसडीओ पीएमएस बारिया ने बताया कि शासकीय पीजी कॉलेज के पीछे 2 कॉलोनियों में डाइवर्सन नहीं होने एवं कृषि भूमि नहीं पाए जाने तथा अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर संगीता मोतियानी निवासी सेंधवा पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इसी प्रकार बारद्वारी रोड पर बिटिया नगर में भी मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनी काटने पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र मोतियानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गौरतलब है कि राजेंद्र मोतियानी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधायक ग्यारसीलाल रावत के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ये यहाँ पर एसडीएम महोदय के एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें 3 अलग अलग क्षेत्रों पे पटवारी द्वारा जांच कराने पर अलग अलग भूखंड के कॉलोनी के निर्माण किए गए, जिसमें 3 अपराध दर्ज किए गए। 420, 467 उप मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के अनुसार इनके 3 सर्वे नंबर है, जिसमें 193/1/1 के 1214 हेक्टेयर में है, जिसमें शासकीय कॉलेज के पीछे अवैध कॉलोनी निर्माण कर छोटे छोटे भूखंडों का विक्रय होकर मौके पर कृषि भूमि ना होकर छोटे छोटे भूखंडों पर आवासीय मकान बने हुए और शेष भूखंड पड़त होकर जिसमें कृषि कार्य नहीं होना पाया जाने से और कॉलोनी निर्माण व विकास अनुज्ञा नहीं लेना पाया गया, जिसके आधार पर कॉलोनी निर्माण की अपेक्षाओं का भंग करके भूखंडों में विभाजित किया गया। इसी प्रकार एक सर्वे नंबर 193/2 है, जिसमें 1214 हेक्टेयर, इसमें मूलभूत सुविधाएं पानी सड़क नाली नहीं होने और इसी प्रकार छोटे भूखंडों का विक्रय किया गया, कृषि कार्य नहीं करना, कृषि और भूखंड भी बने होना। और एक और कॉलोनी है बनिहार रोड स्थित बिटिया कॉलोनी में, जिसमें 58/1/3 1.011 हेक्टेयर है जमीन, इसमें भी इसी तरह से अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया जिसमें भूखंडों का विक्रय होकर कृषि कार्य न होकर और छोटे भूखंडों पर आवासीय मकान और शेष भूखंड पड़त होकर कृषि कार्य नहीं होना पाया जाने से 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें किन किन नाम से की गई है, क्या आरोपी कौन कौन है इसमें? एक आरोपी है संगीता बाई मोतियानी, उसके ऊपर एफआईआर की गई। और कल सेंधवा